सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की फॉर द सेशन 2021। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उस पर लिटरली काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था और मैं काफ़ी खुश भी था, और नियर अबाउट 50-60 कमेंट्स आए थे आपके, जो आपके स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं। इतने सारे कमेंट्स मुझे नहीं लगता मेरी आज तक वीडियो पर आए हैं, इतने सारे कमेंट्स। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यार, जो भी कमेंट्स थे ना, उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि भैया मेरे इतने परसेंट हैं, मेरे टॉप फोर में इतने परसेंट बने हैं, मुझे ये कोर्स चाहिए तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, भैया मेरे 80-85% के बीच में तो मुझे क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, भैया मैं इस कैटेगरी का हूँ, भैया मैं उस कैटेगरी का हूँ, मेरे इतने परसेंटेज है, कौन सा कॉलेज मुझे मिल जाएगा, नॉर्थ कैंपस मिलेगा, साउथ कैंपस मिलेगा, मिल भी पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे ही डाउट्स थे और काफ़ी सारी मतलब बच्चों में टेंशन थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप सभी के लिए वीडियो लेके आई जाए, जिसमें मैं आपको बताऊं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पोंड करो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एंड रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को भी उतना ही फैलाना जितनी पुराने वाली वीडियो को फैलाया था। एंड आई होप कि कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो यार देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता है कि किस बेसिस पे निकालते हैं हम, प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स देख के कि पुराने पिछले साल क्या कट ऑफ गई थी और इस साल क्या आ सकती है। और ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, आपका ट्वेल्थ का रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया, पासिंग परसेंटेज कितनी है। दूसरी चीज़ है आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यानी कि स्टूडेंट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब वन देखो, जो CBSE का ओवरऑल रिजल्ट है काफ़ी बढ़िया गया, आप सभी को पता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा गया। नियर अबाउट 88% स्टूडेंट पास हुए थे सेशन 2020 में, और सेशन 2021 के अंदर 99.3% के आसपास स्टूडेंट पास हुए, तो देख लो 10% का हाइक आया, इतने ज़्यादा इंक्रीमेंट, 10% बहुत ज़्यादा होता है। एंड सेकेंड चीज़ कि अभी हमें पता नहीं था लोग बच्चों ने अप्लाई किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कि कल आपके फॉर्म्स रिलीज आउट हो जाएंगे, उसके बाद पता लगेगा कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। तो उसके बाद उस पर तो हमें पता नहीं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई रहने वाली है। या मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं कि 99% वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरी खुद बात हुई है, स्टिल अभी उनका भी नहीं कंफर्म कि उन्हें टॉप कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, टॉप तो मिल जाएगा लेकिन ये नहीं पता कि उनका ड्रीम कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यार देखो, 95 से अबव 70,000 स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली कि कट ऑफ हाई जाएगी। अब कितनी जा सकती है आपको कैसे पता लगाना है, तो आपको क्या करना है, आपको पुराने कट ऑफ्स को उठाना है, जो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जो आपको कोर्स लेना है उसके अंदर देखो कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रही थी सेकंड थर्ड कट ऑफ तक, और अपने अकॉर्डिंग उस परसेंटेज में मैच करो कि उस कॉलेज में मिलता है या नहीं मिलता, और उसमें 2-2 या 2.5% इंक्रीज़ कर लो, क्योंकि डेफिनेटली इतनी इंक्रीज़ होने वाली है। जिस कोर्स की 100% गई है उससे तो ऊपर जाएगी नहीं, तो उसमें तो क्या ही इंक्रीमेंट करोगे। लेकिन अब जैसे कुछ कॉलेजेस की, जैसे श्रीराम कॉलेज की 99% गई थी, 99.5% गई थी, तो वो 100 जा सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो जिन कोर्सेज की 99.5% कट ऑफ गई थी उनकी 100 जाएगी। तो ठीक है, कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाली है, इसकी टेंशन मत लो। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था इसकी टेंशन मत लो, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, रिलैक्स रहो, कुछ स्किल्स सीखो इन 2 महीने के अंदर जो आपको डेफिनेटली कॉलेज के अंदर हेल्प करेगी। मैं एज एक्सपीरियंस स्टूडेंट बोल रहा हूँ, 1 साल हुआ है मुझे कॉलेज के अंदर, और स्किल्स कितनी मैटर करती है वो मुझे पता लगा है इस 1 साल के अंदर। अगर आपके मार्क्स नहीं है अच्छे, अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आगे स्किल्स ही काम आने वाली है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो आप चाहे कहीं भी, और इस पे थोड़ा फोकस करो कि स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मार्क्स आपके डिपेंड नहीं करते, क्योंकि एट द एंड ये आपके मार्क्स नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में भी जैसे कहा था। दूसरी बात, अगर आपको ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता, ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता, या आपको जिस कॉलेज में जाना था उसमें कोर्स नहीं मिलता, तो उसके लिए दुखी मत होना, क्योंकि जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी कॉलेज पे, मैंने उसके अंदर यही कहा था, इट्स नॉट द कॉलेज दैट मेक्स यू फेमस, बट इट्स यू हु मेक्स द कॉलेज फेमस। इस लाइन को हमेशा याद रखो, एंड ये हमेशा आपको मोटिवेट करेगी कि कॉलेज आपको फेमस नहीं करता, कि अगर आप श्रीराम में जा रहे हो तो कॉलेज आपको फेमस नहीं करने वाला, बल्कि आप कॉलेज को फेमस करोगे। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में बिठा के चलो, अगर आपको टॉप कॉलेज नहीं मिलता, ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता, और आपको ऐसा कॉलेज मिलता है जो आपने सोचा नहीं था, तो ये मत सोचना कि नहीं यार अब इस कॉलेज में होगा तो कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली बहुत कुछ हो सकता है, एंड वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में लेके चलना, और ये एज ए मोटिवेटर भी हेल्प करती है, क्योंकि मेरा भी यही था कि मुझे नॉर्थ कैंपस में लेना है, बट स्टिल कट ऑफ काफ़ी हाई रही थी लास्ट ईयर और मुझे नहीं मिल पाया, तो क्या कर सकते हैं, अब मेरे पर ही है ना। अब मुझे साउथ कैंपस का कॉलेज मिला है, नो डाउट कि कॉलेज अच्छा है, बट स्टिल जो नॉर्थ कैंपस का मेरा ड्रीम कॉलेज था वो रह गया, तो अब ये तो थोड़ी था कि मैं एडमिशन ही ना लूँ, मैंने एडमिशन लिया और काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ एंड अपनी स्किल्स इंक्रीज कर रहा हूँ।
अब यहाँ बात करते हैं कि मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। मिनिमम परसेंटेज देखो सबके लिए अलग अलग रहेगी। अगर जनरल कैटेगरी के अंदर बात करें और अगर आपको श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स चाहिए या फिर आपको लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन चाहिए तो उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी मिनिमम जनरल कैटेगरी के अंदर 99.5% मिनिमम कट ऑफ रहेगी। और वही अगर आपको उस कोर्स के अंदर बी कॉम ऑनर्स जो उनके मेन कोर्सेज है, जैसे श्रीराम दो ही कोर्स प्रोवाइड करते हैं इको ऑनर्स और बी कॉम ऑनर्स, तो उनके अंदर कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। इसी तरह EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिसे जनरल कैटेगरी के अंदर एक कोटा मिलता है, उसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास EWS है तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी 2% 3% की, नहीं, बहुत कम रेयर चांसेस है कि आपकी कट ऑफ में थोड़ा सा फ़र्क होगा। अगर आपकी जनरल कैटेगरी की 99.5% जाएगी तो आपकी EWS के अंदर 99.25 चली जाएगी, 99% चली जाएगी, इससे कम नहीं जाने वाली। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ऐसे ही OBC, ST, SC इनके में एक एक 1.5% का फ़र्क हो जाएगा टॉप कॉलेजेस के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि 99 जनरल के गई है तो 95 जाएगी अदर कास्ट की, नहीं, 99 अगर जनरल के गई है तो 98 जा सकती है अदर कास्ट की। ये नहीं है कि 5% का फ़र्क आ जाए, इतना फ़र्क नहीं आता। अब वही अगर हम कोर्स चेंज कर लें, कोर्स कैसे, अगर आप लेते हैं हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, जो काफ़ी कम लोग करते हैं और कंपटीशन उसमें काफ़ी कम है, तो आपको 70% 75% इतने में भी एडमिशन मिल सकता है टॉप कॉलेज में। तो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है प्लस आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आपको आपके लिए मिनिमम परसेंटेज क्या है। आई होप कि वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आपको कुछ इंसाइट मिली होगी कि कॉलेज से रिलेटेड भी। तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी थोड़ी इंसाइट्स मिले एंड कुछ सीख सके वीडियो से। अच्छा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। एंड किसी भी टॉपिक पर आप स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो को भी इसी तरह फैला देना एंड तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद।